बताओ सर आपके साथ क्या हुआ? सुनिए मैं उड़ीसा कटक से आया हूँ, लक्ष्मण दास अग्रवाल हूँ, मैं बीजेपी पार्टी का कर्मी हूँ और मैं दो बार नॉमिनेटेड कर चुका हूँ एमपी एमएलए लोगों को। लालू जी जब गृह मंत्री थे उनका पर्सनल इंटरेस्ट नॉमिनी था। अभी जब मैं यहाँ पे आया मैं पुलिस सिक्योरिटी से चेक होके बाहर से अंदर आया हूँ 230 में। उसके बाद जब मैं 303 नंबर फ्लोर में आया उनका पर्सनल सिक्योरिटी मेरे ऊपर में अटैक कर रहा है। किनका? वो ऋतिक रोशन साहब के कोई होंगे। तो हमारे पुलिस फोर्स को इन लोग के बेनिफिट के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है। मैं बोलूंगा क्या आपको किया गया सर अपने रूम में जा रहे थे तो? मैं मुझे प्राइवेट सिक्योरिटी पूछ रहा आप अपना सामान चेक कराइए। मतलब भाई साहब आप कौन है? बोला मैं प्राइवेट सिक्योरिटी हूँ। मतलब मेरे से आप क्या चाहते हैं? ना आप चेक करना चाहते हैं? मतलब जो पुलिस ऑफिसर नीचे ड्यूटी में है मेन गेट से लेके बाहर तक वो लोग क्या पढ़े लिखे नहीं है? हाँ वो जो यहाँ पे जो उनकी सिक्योरिटी वाले थे। तो ऋतिक रोशन जैसे आदमी को इस होटल में या कम से कम हमारे पुलिस भाइयों को इनके लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नाम क्या हुआ? मेरा नाम लक्ष्मण दास अग्रवाल है। मेरा आधार कार्ड भी आप चाहें तो आप ले सकते हैं नंबर। तो इस तरह का हमारे पुलिस अगर हमारा फोर्स इस तरह के कामों में लगा रहेगा तो पब्लिक की सुरक्षा क्या करेंगे वो लोग? आप मीडिया वालों का समय बर्बाद कर रहे हैं। पॉपुलैरिटी उनको मिलेगी, बेनिफिट उनका होगा।